किसी भी लड़का या लड़की की शादी के योग्य उम्र हो गई है और बार बार प्रयास करने के बाद भी कहीं पर भी शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा हो। बच्चों के विवाह को लेकर के, शादी को लेकर के माता पिता बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं। तो ऐसे में जरूर ध्यान रखें, 6 जून गुरुवार का दिन। 6 जून गुरुवार के दिन एक ऐसा पावरफुल चमत्कारी संयोग बन रहा है। मात्र एक ही दिन में बड़े से बड़े विवाह बंधन को खोला जा सकता है। मात्र एक ही दिन में बड़े से बड़े शादी में, विवाह में देरी कराने वाले ग्रह दोष को तत्काल नष्ट करके शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का मंगलकारी योग बनाया जा सकता है। तो जिन लड़के लड़कियों की शादी की योग्य उम्र हो गई है, बार 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 प्रयास करने के बाद भी कहीं पर भी बात नहीं बन रही हो, तो ऐसी स्थिति में आज ही आप जरूर नोट करके रख लीजिए, 6 जून गुरुवार का दिन। 6 जून गुरुवार के दिन अमावस्या तिथि होगी और शनि जयंती होगी। 6 जून गुरुवार के दिन एक ऐसा संयोग है अमावस्या तिथि और शनि जयंती का। इस दिन का ये छोटा सा प्रयोग, जिस किसी भी लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा हो, वह स्वयं अपने लिए कर सकते हैं, नहीं तो माता पिता अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए इस उपाय को 6 जून गुरुवार के दिन अवश्य संपन्न कर दें। किस प्रकार से इस उपाय को संपन्न करना है, जानकारी देने से पहले बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए दूसरे कौन से चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, ऐसी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही आप जरूर सब्सक्राइब करें ज्योतिष गुरु जी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन सब्सक्राइब करके रखेंगे तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। 6 जून गुरुवार के दिन कभी भी इस उपाय को संपन्न किया जा सकता है। सूर्योदय से लेकर के और रात्रि 9 बजे से पहले इस उपाय को आप कभी भी संपन्न कर सकते हैं। किस प्रकार से इस उपाय को संपन्न करना है, सर्वप्रथम इस उपाय को करने से पूर्व पहले आप स्नान कर लें और स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण कर लें, और सबसे पहला कार्य है घर के पूजा स्थान में प्रणाम करके जो विराजित देवी देवता हैं उनका आशीर्वाद लें, और जो आपकी कामना है, माता पिता कर रहे हैं तो अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना कर लें, और लड़का लड़की स्वयं कर रहे हैं तो अपने शीघ्र विवाह के लिए घर के पूजा स्थान में सर्वप्रथम प्रार्थना कर लें। उसके पश्चात इस उपाय को करने के लिए आपको एक जटा वाले नारियल की आवश्यकता पड़ेगी। जटा वाला एक सूखा नारियल ले लीजिए, उसके ऊपर आपको सर्वप्रथम गंगा जल का छींटा मार देना है और उसके ऊपर काले रंग का कपड़ा लपेट देना है। काले रंग का कोई भी कपड़ा उस नारियल के ऊपर लपेट देना है और उसके ऊपर यथासंभव कुछ भी आपको दक्षिणा ले लेनी है, 10 रुपए 20 रुपए कुछ भी उस काले कपड़े के ऊपर दक्षिणा लगा करके, जो हाथ में बांधने का कलावा होता है, मोली होती है, इससे 7 बार आपको ऐसे लपेट देना है। लपेट करके इस नारियल को, जिसके ऊपर आपने काले रंग का वस्त्र लपेटा है, मोली लपेटी है, दक्षिणा साथ में रखी है, हाथ में लेकर के घर के पूजा स्थान में जो भी विराजित देवी देवता हैं उनके समक्ष अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना कर लें। लड़का लड़की स्वयं कर रहे हैं तो अपने लिए कामना कर लें, और माता पिता कर रहे हैं तो अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए पूर्ण भाव से, श्रद्धा से, समर्पणता के साथ प्रार्थना कर लें। उसके पश्चात जिस किसी भी लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, ध्यान रखें, यदि वह घर में उपस्थित है और माता पिता कर रहे हैं तो उसको घर के पूजा स्थान के सामने बुला लें और उसके ऊपर क्लॉक वाइज इसको 7 बार वार लीजिए। यदि लड़का लड़की घर में उपस्थित नहीं है और माता पिता कर रहे हैं, तो जिस लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा हो उसका कोई भी फोटो हो उसके ऊपर 7 बार वार लीजिए, और लड़का लड़की स्वयं कर रहे हैं तो वारने की आवश्यकता नहीं है, हाथ में ही लेकर के प्रार्थना करके। ऐसा करने के बाद आपको किसी से कुछ भी नहीं बोलना है और सीधा आसपास में कोई भी हनुमान जी का मंदिर हो वहां पर जाना है और इस नारियल को अपनी मनोकामना बोल करके हनुमान जी के चरणों में रख देना, और चरणों में रखने के बाद मंदिर में जहां कहीं पर भी दीप प्रज्वलित करने का स्थान बना रखा हो, संभव हो सके यदि
हनुमान जी की मूर्ति के समक्ष यदि आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं जहां कहीं पर भी मंदिर की व्यवस्थाओं के हिसाब से जहां स्थान बना रखा है वहां पर आपको दीप प्रज्वलित करना है। आपको सरसों के तेल का दीप प्रज्वलित करना है और दीप प्रज्वलित करने के बाद दीपक में जो तेल है उसके अंदर आपको दो लौंग डाल देनी है और वहीं हनुमान जी महाराज के समक्ष आसन पर बैठ करके पूर्ण भाव से, सच्ची श्रद्धा से, निष्ठा से, जो आपका मनोभाव है, मन की अर्जी है, वो बारंबार हनुमान जी महाराज के चरणों में रखें कि हे हनुमान जी महाराज, स्वयं कर रहे हैं तो अपने लिए प्रार्थना करें, माता पिता कर रहे हैं तो अपने बेटा या बेटी के लिए प्रार्थना करें कि मेरी कुंडली में या मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार का शनि से संबंधित कोई दोष है, राहु से संबंधित कोई दोष है, किसी भी प्रकार का कोई पितृ दोष है, नजर दोष है, ग्रह दोष है, ग्रहण दोष है, उससे हमें मुक्त करना और शीघ्र विवाह होने का योग बन जाए, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करना। जितनी ज्यादा प्रगाढ़ सच्ची श्रद्धा और तन्मयता हनुमान जी के चरणों में आपकी रहेगी, ध्यान रखें कोई भी उपाय उतना ही जल्दी फलीभूत होता है। उपाय को करने भर मात्र से ही बात नहीं बनती है, उपाय में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण पार्ट होता है वो आपका होता है कि आपकी जो इंटरनल ऊर्जा है, एनर्जी है, वो प्रभु चरणों में कितनी ज्यादा है, कितनी कितनी सच्ची निष्ठा, कितना आपका जो मनोभाव है वो भगवान के चरणों से जुड़ करके इस उपाय को कर रहा है। और ध्यान रखें आसन पर बैठ करके जब प्रार्थना करनी है कमर झुका के नहीं बैठना, रीढ़ स्तंभ बिल्कुल सीधा रखे करना है। तो प्रिय दर्शकों, यह 6 जून गुरुवार का जो दिन है ना, यह अमावस्या तिथि में शनि जयंती पड़ रही है, इसलिए बहुत विशेष महत्वपूर्ण दिन हो जाता है किसी भी प्रकार की मनोकामना सिद्धि को शीघ्र करने के लिए। इस दिन में अलग अलग प्रकार की विधि, अलग अलग प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए अलग अलग प्रकार के विधान संपन्न किए जाते हैं। ऐसे में मैंने देखा है कि ज्यादातर लड़के या लड़कियों की शादी में देरी होने का जो सबसे बड़ा कारण बनता है ना, वो कुंडली में शनि का दोष बनता है, राहु का दोष बनता है, या पितृ दोष बनता है, नजर दोष बनता है। तो यह जो उपाय है अमावस्या तिथि के दिन जब हनुमान जी महाराज के समक्ष चरणों में बैठ करके आप संपन्न कर देते हैं, तो हनुमान जी की कृपा से आपकी कुंडली के दोषों से आपको निश्चित रूपेण मुक्ति मिलती है। और इतना करने के बाद एक विशेष कार्य प्रारंभ होता है, क्योंकि इस दिन अमावस्या तिथि भी है, तो गौ माता की सेवा जरूर कर दें। गौ माता को हरी घास खिला सकते हैं, या प्रयास करें कि एक दिन पहले 5 जून को रात्रि में थोड़ी सी चने की दाल भिगो दीजिए, और ये हनुमान जी वाला उपाय करने के बाद गुड़ और चने की दाल गौ माता को आप खिला सकते हैं, गौ माता को हरी घास खिला सकते हैं और गौ माता का आशीर्वाद लें। ये बहुत पुण्यकारी प्रयोग है, यदि अमावस्या तिथि शनि जयंती के दिन किया जाए तो आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना है जिसके लिए आप बार 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 प्रयास कर रहे हैं और वह सफल नहीं हो रही है, आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, तो यह 6 जून गुरुवार के दिन का उपाय मात्र एक ही दिन में शीघ्र आपकी मनोकामना सिद्धि का योग बना सकता है, शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बना सकता है। तो मेरा एक विशेष निवेदन है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्लीज शेयर जरूर कर दीजिए ताकि दूसरे लोग भी लाभान्वित हो सके। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का साइंटिफिक सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, आप मुझे यहां पर संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। और अपने आप से खुद से देखना चाहते हैं शादी कब कहां कैसे होगी, किसी ज्योतिषी से नहीं पूछना पड़े, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरु जी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक कर लीजिए, वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही था, देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरु जी यूट्यूब चैनल।